वेदर एंड क्लाइमेट की डिफरेंट चीजें, जैसे वेदर को कौन सी 7 चीजें थी विच आर डिस्क्राइबिंग द वेदर, फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग इन द वेदर. फर्स्ट पे कौन से आ रहे थे हमारे, टेम्परेचर. व्हेन द टेम्परेचर विल बी हायर, टेम्परेचर जब हाई होगा. जब टेम्परेचर राइज होता है तो वेदर वार्म हो जाता है, वेदर गेट्स वार्मर. टेम्परेचर लो तो वेदर कूल हो जाता है, ठीक है ना. इक्वेटोरियल रीजन, जो इक्वेटर के पास पास रीजन है, वो हमारे वार्म रीजन है, हॉट है उनके क्लाइमेट्स. प्रेशर में क्या था, टेम्परेचर जब हाई होता है तो एयर प्रेशर कम हो जाता है. एयर प्रेशर पे आए, अगर एयर प्रेशर कम हो जाता है, लेस हो जाता है, अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, विंड्स एंड स्टॉर्म्स विल कम. टेम्परेचर विल बी डाउन, एयर प्रेशर विल बी हाई, कॉम डाउन, कॉम वेदर होता है, कोई रेन, कोई स्टॉर्म नहीं आ रहा होता, कुछ नहीं. एयर किस टाइप, किस वर्ड मूव होती है, अपवर्ड. एयर ऑलवेज मूव टूवर्ड्स अपवर्ड मूव होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया. जैसे बैलून की हमने एग्जाम्पल की थी इसमें. फिर ह्यूमिडिटी पे आ जाए, या प्रेसिपिटेशन पे, लेट्स सपोज आ जाए फर्स्ट. प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली. सुभान एंड मनाहित, सिट डाउन, बोथ ऑफ यू सिट प्रॉपरली एंड देन टेक योर क्लास. हरी अब सुभान, बेटा सिट प्रॉपरली. मनाहित यू टू, हरी अब. थैंक यू. जी, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल. मैं अभी आपसे सुनना, आई विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन फ्रॉम यू ऑल. प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल. रेनफॉल क्या हो रहा होता है, बारिश कितनी हो रही है. ह्यूमिडिटी में क्या था, ह्यूमिडिटी was means, अगर humidity high है, that means lots of water absorb in the air. Air में water ज़्यादा absorb हो गया हुआ है. Wind में what we have studied, wind में हमने दो चीजें पढ़ी थी, what sea breeze and land breeze. When the sea breeze is cooler at the time of day, ठीक है ना, it travels towards the land. It is called sea breeze and the land. Breeze when travels towards the sea, that is called land breeze. ठीक है ना, land breeze night पे होती है और sea breeze हमारे day time पे होती है. After that हमने equatorial region सारे पढ़े थे, और सारा ये equatorial region पढ़ा था कि tropical कौन से हैं, temperate and polar regions which are describing the climate. Then we have discussed जितने हम height पे जाएं from the sea, वो above होता जाता है ना, altitude high होता जाता है, then cooler होता जाता है climate. नेचुरल डिजास्टर्स हमने पढ़े थे, इसमें टोर्नेडोस पढ़े थे, फ्लड पढ़े, लैंडस्लाइड्स पढ़े, वॉल्केनिक इरप्शन, ड्रॉट एंड फेमिन पढ़े हैं, हरिकेन पढ़े हैं, सारे. किसी में कोई कंफ्यूजन है, एनी वन हु हैज एनी कंफ्यूजन कैन रेज द हैंड. फ्लड्स में हमने क्या पढ़ा था, मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग दैट इट्स जस्ट एन ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर, के बस ओवरफ्लो हो रहा है, बट इट इज मच मोर देन इट. क्या हो रहा होता है, एनी ड्राई पीस ऑफ द लैंड दैट गेट इमर्ज विद द वाटर. समटाइम इट इज रेज सो हाई दैट यू कांट सी इवन द बिल्डिंग्स, लाइक इन दिस पिक्चर यू कांट सी इवन द बिल्डिंग. व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी आर गेटिंग सो मच रेन, एक तो हैवी रेनफॉल फ्लड की रीजन बनती है, सेकेंड स्नो मेल्टिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स, थर्ड वन इज सुनामी. सुनामी इज एन अर्थक्वेक अंडर द ओशन और सी, ठीक है ना. लैंडस्लाइड क्यों हो रही होती है, व्हाई लैंड इज स्लाइडिंग, व्हेन अपर मास ऑफ अ लैंड गेट डिसलोकेटेड फ्रॉम द लोअर वन. उनकी कौन कौन सी रीजन हो सकती हैं, हमने रीजंस भी पढ़ी थी. फ्लैट एरियाज में लैंडस्लाइडिंग नहीं हो रही होती, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकती है, वॉल्केनो इरप्ट हो जाए, हैवी रेनफॉल हो सकती है, ह्यूमन एक्टिविटी लाइक हम माइनिंग वगैरह करते हैं रोड बनाने के लिए, और लाइक ऑल दीज थिंग्स. फिर कटिंग, जब हम ट्रीज की कट कर रहे होते हैं तो भी हमारी इरोजन होती है, दैट कैन बी कॉज लैंडस्लाइडिंग, सोयल इरोजन, वॉल्केनिक इरप्शन. थर्ड पे हमने क्या पढ़ा हुआ, सुनामी. ओके, अर्थक्वेक है. अर्थक्वेक क्या है, शेकिंग ऑफ अर्थ. एक्चुअली द अर्थ इज, our earth is divided into 20 parts.
पे डिवाइड हुई है, 20 प्लेट्स हैं डिफरेंट, ठीक है, जिग्सो पजल की तरह है आर्ट्स, दैट इज ऑलवेज पजल्स जो है मूव कर रहे हैं, दैट ऑलवेज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूविंग ऑल द टाइम, हर वक्त वो मूव कर रही है, बट सम टाइम क्या हो रहा था, उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है, वो हमें फील होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना. वो जब हम फील करते हैं दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक, शेकिंग ऑफ अर्थ, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन होती है, इससे तबाही बहुत ज्यादा हो रही होती है. फिर सुनामी क्या है, सुनामी बेसिकली सुनामी इज आर द अर्थक्वेक ऑन द ओशन, जैपनीज वर्ड है सुनामी, ठीक है ना. अर्थक्वेक कहाँ पे आ रहा होता है, ओशन में आ रहा होता है, बहुत ज्यादा वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, एयर प्रेशर टेंशन इन द वाटर होती है, फिर ग्रेविटी पुल कर रही होती है, लेकिन वाटर पुश कर रहा होता है, फिर वाटर वेव्स मूव करती हैं, वाटर वेव्स क्या कर रही होती हैं, बाहर आ जाती हैं, और ये बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग विल होती हैं. जो लोग इनको फेस करते हैं ना, उन्हें स्विम नहीं करना चाहिए, उन्हें लहरों के साथ मूव करना चाहिए, अदरवाइज उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है. बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, हमारे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना. 500 माइल्स की स्पीड से ये वर्क कर रही होती हैं. उसके बाद हमने वोल्केनो पढ़े थे, वोल्केनोस क्या थे जी, वेंट और चिमनीज की तरह होते हैं ना, और मैग्मा इनके अंदर रॉक्स होती है, जब वो बाहर निकलता है बस्ट आउट होता है तो उसको हम लावा कहते हैं, ठीक है. क्रेटर से निकलते हैं, क्रेटर ओपनिंग विच इज नोन एज क्रेटर, वोल्केनो की ओपनिंग को क्या कहते हैं, क्रेटर. कोन शेप पहले कहा जाता था, अब इसको इज वेंट और चिमनी कहा जाता है, दैट कनेक्ट मैग्मा टू अर्थ क्रस्ट एंड इट्स अर्थ सरफेस, रॉक विच आर इनसाइड कॉल्ड मैग्मा, व्हेन इट कम्स आउट व्हिच वी कॉल लावा. फिर आपके पास ड्रॉट एंड फेमिन, अभी ड्रॉट क्या है, लेस अमाउंट ऑफ रेन, एवरेज अमाउंट, जिससे जो रेनफॉल की है ऑन अ स्पेसिफिक एरिया व्हेन कम हो जाएगी, उससे लेस हो जाएगी, देन ड्रॉट आ जाएगा. इसको उर्दू में हम कहत भी कहते हैं, खुश्क साली कहते हैं. ड्राई हो जाएगा लैंड, सॉइल, पीपल को जाहिर है दूसरी प्लेसेस पे ट्रैवल करना पड़ेगा फॉर देयर ओन सर्वाइवल, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है. फेमिन और ड्रॉट में क्या फर्क है, फेमिन एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर एक्सट्रीमली हो जाती है, लोगों और एनिमल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. फेमिन एंड ड्रॉट में ये डिफरेंस था. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा हुआ है, हरिकेन्स एंड टोर्नेडोस पढ़े थे, है ना. टोर्नेडोस को हम ट्विस्टर्स भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था ट्विस्टर्स होते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं, 300 माइल्स पर आवर पे मूव करते हैं, हैवी विंड होती है, विंड की बहुत ज्यादा वायलेंट विंड आप कह लो, लाइक टॉवरिंग ब्लैक फ्यूनल. इसमें क्या हो रहा होता है, ईच एंड एवरीथिंग विच इज कमिंग इन टू इट फास्टरली मूव होती है और सेकेंड प्लेस की तरफ थ्रो हो जाती है, ठीक है. वैक्यूम की तरह करते हैं, सक एवरीथिंग इन साइड देम, वेट एवर विल कम इन देयर पाथ, ठीक है. नेक्स्ट हमने लास्ट व्हाट वी हैव डन, हरिकेन. हरिकेन कहाँ होते हैं, ओशंस में होते हैं, वार्म ओशंस में, जहाँ पे टेम्परेचर गर्म होता है. जब गर्म होता है ऑब्वियसली वो ऊपर वेपर चले जाते हैं, ऊपर वेपरेट हो जाती है, एयर की स्पेस खाली हो जाती है. जब एयर स्पेस खाली होती है, साइड एयर टेक्स द प्लेस, वो कूलर एयर होती है, वो कूलर एयर दोबारा उसमें जाती है, वो ग्राउंड शेप में बनना शुरू हो जाता है हरिकेन, ठीक है. और हरिकेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये बहुत स्ट्रोंग होते हैं हरिकेन. अगर तो आपके सी कोस्टल एरियाज पे आ जाएं तो बहुत डिस्टोर्शन होती है, बहुत सारे क्लाउड्स लेके आते हैं, फ्लड हो जाता है, ठीक है. ओके जी, If they reach to the land, they cause heavy rainfall and flood or lots of destruction हो रही होती है. ये सारे हमारे क्या हैं, natural disasters हैं. These all are our natural disasters. Are you getting, beta? Anyone who is confused? Next आ जाए impact on human bodies. इनके क्या असरात हैं जो हम लोगों पे हो रहे हैं, ठीक है. क्या impacts ये लेके आ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है, ये इसमें ह्यूमंस का कोई लिंक नहीं होता है, ये फोर्सेस केम फ्रॉम द नेचर, ठीक है. जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज आती है दैट मींस डिजास्टर ज्यादा होगा.
नेचुरल डिजास्टर्स आर मेनली कॉज ड्यू टू द एक्सट्रीम चेंज. हमने जो क्लाइमेट और वेदर के चेंजेस पड़े हैं उन्हीं की वजह से ये डिजास्टर्स आ रहे होते हैं ना, और मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो जाती है. दिस इज नॉट लाफिंग पॉइंट सुभान, ये हंसने वाली बात नहीं है कि मिलियंस ऑफ पीपल अपनी लाइफ से खो देते हैं, ठीक है, उनकी डेथ्स हो जाती है ड्यू टू दीज ऑल थिंग्स हिस्टोरिकली थ्रू आउट हिस्ट्री. ठीक है, those who have survived its anger bahut zyada have been forced to be displaced. A few example, kaun kaun si unhone example history ki hame de rahe hain, notes hain ye ek kisam ke. 2004 mein, 2004 mein kaun sa aaya tha tsunami Indian Ocean mein jisse 230,000 people died across 14 countries. 14 countries mein जो ओशन सुनामी से आया था, सुनामी 2004 में, ठीक है, इंडियन ओशन में एक सुनामी आया था, उससे 230,000 पीपल डाइड हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, डेथ हो गई थी. इन 2005 में हरिकेन आया था कैटरीना इन यूएसए, किल्ड 1,836 पीपल एंड लेफ्ट ओवर 1 मिलियन पीपल होमलेस. 1 मिलियन लोगों को बेघर हो गए थे, दे डोंट हैव अ प्लेस टू लिव. ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये. 2005 में अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में और 75,000 पीपल की डेथ हो गई थी. इन 2010 फ्लड आए थे, दैट हैज किल्ड 2,000 पीपल एंड लेफ्ट ओवर 20 मिलियन होमलेस हो गए थे पाकिस्तान में. 2010 में आया था ये, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बैक. 2010 वॉल्केनिक एश इरप्शन इन द आइलैंड कॉज्ड कैंसिलेशन ऑफ ओवर 1,000 फ्लाइट अक्रॉस यूरोप फॉर ऑलमोस्ट 1 वीक, रिजल्टिंग इन रफली 10 मिलियन स्ट्रेटेड स्टैंडर्ड पैसेंजर्स. ठीक है ना, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो है नेचुरल डिजास्टर्स, ये ह्यूमन लाइफ्स को बैडली इम्पेक्ट करते हैं, उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. जाहिर है कोई होमलेस हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, एक फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, जहाँ पूरी पूरी फैमिलीज खत्म हो जाए, कोई कोई सर्वाइवल्स रह जाए, वहां पे क्या हाल होता होगा. उफ, तौबा इस्तग़फ़ार हमें करनी चाहिए. सुभान बेटा, टर्न ऑन योर वीडियो marriage, turn on your video, hurry up. People have also been known to migrate in the past due to harsh weather condition. Obviously baat hai, jab harsh weather conditions hongi they have to migrate, they have to travel from one place to another, like drought and famine. May I have told you earlier, when the lack of rain also can kya kya damage hongi, aapki crops damage hongi as well as farmers bhi damage hongi if rainfall is not drained. स्टैंड सेगमेंट, अगर जैसे अब कराची में है रेनफॉल हुई है, फ्लड आ गए हैं, अब फ्लड आ गए हैं, अगर वो आपकी ड्रेनेज नहीं होगी तो कॉलरिया और मलेरिया की बीमारियां फैलेंगी. ऑब्वियसली बात है, मॉस्किटोज आएंगे, लोगों को फूड में बैली में पेन होगी, वॉमिट्स होंगी, डायरिया होंगे. ठीक है ना, इनको एपिडेमिक कहते हैं. कौन सी डिजीजेज हैं जो ह्यूज स्केल पे होती हैं, ह्यूज स्केल पे जो डिजीजेज होती हैं उन्हें एपिडेमिक कहते हैं. और ये डिजीजेज आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, जैसे अब आजकल फ्लड आया हुआ कराची में, ड्रेनेज बहुत जरूरी है उस वाटर की. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और आपकी डेली लाइफ ऑब्वियसली खराब होती है, दैट्स फॉर श्योर. इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, देखिए इसमें इन्होंने 3-4 टाइप्स के आपको बताए हुए इम्पैक्ट. फर्स्ट क्या है, फैक्ट्रीज. एक तो फैक्ट्रीज क्या कर रही हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, ठीक है ना, दे आर प्लूटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रही हैं. सेकंड वो क्या कर रही हैं, दे आर गार्बेज ऑन द ओशंस, ऑन द रिवर्स, ऑन द सीज. व्हाट इज हैपनिंग, हमारे ओशन रिवर्स एंड सीज के साथ क्या हो रहा है, कंटेमिनेटेड हो रहे हैं ना, हार्मफुल केमिकल्स उनको जा रहे हैं, वहां सी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, रिवर लाइफ डिस्टर्ब हो रही है. जाहिर है सम एनिमल्स, फिशेस और टर्टल्स वगैरह, दे आर लिविंग इन द सी, सी और उसके एनिमल्स हैं, दे आर कंटेमिनेटेड वाटर उनको मिल रहा है, तो दे आर उनकी लाइफ खराब हो रही है. मनाहिर बेटा, सिट प्रॉपरली. व्हेन वी अटेंड अ क्लास वी शुड अटेंड इट प्रॉपरली.
टर्न ऑन योर वीडियोस, हरी अप, टर्न ऑन योर वीडियोस बेटा। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन वेदर्स एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट पे किस किस तरह इम्पैक्ट हो रहा है जी। फर्स्ट मैंने आपको बताया है फैक्ट्रीज के बारे में, दैट वी आर कटिंग ट्रीज। जब हम कट ट्री करते हैं तो आपकी क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया ग्रो करने के लिए और होम्स एंड फैक्ट्रीज बनाने के लिए वी आर कटिंग आवर ग्रीनरी पार्ट्स, ग्रीनरीज को कट कर रहे हैं। कटिंग ऑफ ट्री से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी इन एटमोसफेयर और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कम हो जाएगी वो किस तरह बैलेंस तो नहीं ना हो रही, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है आपके एटमोसफेयर पूरा। व्हीकल्स, व्हीकल्स पे अगर आप देखें तो कॉमनली यूज जो व्हीकल्स हैं दे आर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। कैसे, क्योंकि एवरी वन वॉन्ट व्हीकल सेपरेटली, हर फैमिली कहती है आई नीड सेपरेट व्हीकल, और वो पोल्यूशन क्रिएट होता जा रहा है होता जा रहा है, फॉसिल फ्यूल्स उसमें से निकल रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, दे आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है जी। मैन हैज बीन इफेक्टिंग वेदर एंड क्लाइमेट सिंस ही अपीयर्ड ऑन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस ईयर्स पहले जब ह्यूमन बींग्स आना स्टार्ट हुए थे, व्हाट वाज हैपनिंग, दे आर फेसिंग द वेदर एंड क्लाइमेट चैलेंजेस। Of course, the impact was much more smaller, but आजकल impact increase हो गया dramatically, बहुत ज़्यादा। The invention of machinery has led to an extensive burning of fossil fuels, fuels which are result in increase of the amount of carbon dioxide in the atmosphere. ठीक है ना, machineries जो increase हो गई हैं, they are creating, जैसे वो vehicles के बारे में ही they want to tell you. व्हीकल्स इंक्रीज हो गई, आपकी मशीनरी एक्सेसिव बर्निंग हो गई, जब बर्निंग होगी फ्यूल रिलीज होगा, फ्यूल रिलीज होगा दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर इज राइजिंग। ठीक है, कार्बन डाई की प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो मारिच, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड द एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज टू मीट आवर पेपर, जब हम कट कर रहे हैं क्या करने के लिए, आप हमारे पेपर इंडस्ट्री को चाहिए या जी वोट चाहिए, फर्नीचर इंडस्ट्री को वोट चाहिए, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम पढ़ने लिखने के लिए वी नीड स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए वी नीड पेंसिल्स एंड वी नीड स्केल्स और वुडन थिंग्स, तो वुड कट हो रही है। अब दैट इज क्रिएटिंग ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड रेज हो रही है, प्रोड्यूसिंग कैन नॉट बी चेंज विद द ऑक्सीजन, वो क्या ही किसी भी फॉर्म में ऑक्सीजन को रिप्लेस नहीं कर सकती। एक्सेसिव इंडस्ट्रीज हैज कॉज्ड रिवर एंड सीज टू बी गेट कंटामिनेटेड बाय हार्मफुल केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड बाय द फैक्ट्रीज। अब वो एयर और खाली जो फैक्ट्रीज है ना और इंडस्ट्रियल एरिया, वो रिवर एंड सीज को ही पोल्यूटेड नहीं करता, बल्कि ओनली दे आर पोल्यूटिंग आवर एयर। द एयर इज ऑल्सो पोल्यूटेड विद द हार्मफुल स्मोक दैट इज रिलीज्ड बाय दीज फैक्ट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गैस एयर gaseous emission, ठीक है, जो गैस निकल रही है, दे आर रिलीजिंग बाय बिलियंस ऑफ कार्स डेली, बिलियंस ऑफ कार्स आर रिलीजिंग डिफरेंट गैसेस, ऑल ऑफ हैज कॉज्ड अ फिनोमेनन दैट इज कॉमनली नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ये सारी जो फैक्ट्रीज क्रिएट कर रही हैं, जो एयर पोल्यूट कर रही हैं, सी एंड ओशन को पोल्यूट कर रही हैं, कट डाउन ऑफ ट्रीज है, व्हीकल एक्सेसिव यूज हो रही है, फ्यूल बर्न हो रहा है और सारा हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, उसकी वजह से ग्लोबली एक वार्म इफेक्ट आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स की जो पे जो आइस है वो मेल्ट जल्दी हो रही है। ठीक है, ग्लेशियर आर मेल्टिंग सूनर, वार्मर इफेक्ट्स ऑफ वार्मर ग्लोबल वार्मिंग हैव already been evident with the glaciers in the polar region melting faster than even before. pehle itni fast nahi wo kar rahe the lekin ab global warming ho rahi hai, that means ye sabse hottest issue of 2020 isko kaha gaya hua hai, global warming ko, climate change ko, itna important aapka ye chapter hai. theek hai, isme itne sare multiple concepts it has. 2020 का टॉप मोस्ट जो आपको कहा हुआ है ना प्रॉब्लम, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग कहा गया हुआ है।
which means the continually rise in the atmosphere. आपका temperature continually increase हो रहा है. Effects क्या हो रहे हैं जी global warming के, कि glaciers जो polar region के हैं वो बहुत जल्दी जल्दी melt होना शुरू हो गए हैं, fastly melt हो रहे हैं due to temperature rise. और अगर वहां से आपके glaciers melt होंगे तो आपको floods आएंगे, that's for sure. आपके सी लेवल का, ओशन लेवल का अगर टेम्परेचर राइज हो जाएगा, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, क्लाउड्स विल क्रिएट रेन एंड रेन विल क्रिएट ऑब्वियसली फ्लड, तो आपके वर्ल्ड वाइड फ्लड्स आएंगे. ठीक. नाउ नेक्स्ट ऑन द पेज इफ वी लुक, इन्होंने कहा है ट्रीज कट डाउन इन द फॉरेस्ट है. एक आपके पास पिक्चर है दैट इज कार रिलीजिंग हैवी स्मोक. ठीक है, द कार्स हु आर नॉट functioning well and we are also using in our environment, they are talking about those cars, rivers which polluted water. theek hai ji, rivers mein polluted water bhara hua hai, ab dekh rahe ho sara garbage hai aur river apna bichara finish ho raha hai. kya life hogi wahan pe river ke animals ki, kya life hogi? think only once, kya wo bichare kaise survive kar rahe honge? contaminated water ho gaya, how they are living? आपके घर पे कोई कूड़ा फेंकता जाए फेंकता जाए फेंकता जाए, आप कैसे रहोगे? द सेम इज विद द रिवर विद इट पोल्यूटेड वाटर. मेल्टिंग स्नो इन द पोलर रीजन, स्नो मेल्ट हो रही है जी पोलर रीजन में, और जब स्नो मेल्ट होगी ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, जब टेम्परेचर विल बी रेज फ्लड्स आएंगे. ओके, चैप्टर इज ओवर नाउ. वी हैव टू डू homework for today is you have to read the chapter thoroughly. We have done only 2 pages, 24 and 25 today. Till 23rd we have done in our previous lectures. Hope you have studied that. MCQ test main bhi lungi aap logon se in next class, theek hai, because this is my one of the favorite chapters and I will not leave it. Weather and climate, global warming, what are impacts they are creating on humans, natural disasters, what are longitude latitude lines, why our equatorial regions are warm. It has only this chapter we have thousands of questions. Ji, come on page number 26. Hurry up Subhan and Marij, please turn on your video, beta. Come on, page number 26. Let's do exercise work. Ji, dash is the amount of water vapor in the air. Air mein jo water vapor hote hain, what we call it? We call it humidity. What we call it? Humidity. Ji, Subhan, beta, I'm unmuting you. Your hand was raised, beta. Yeah, I was filling the blanks. Gigi, you want to tell me filling the blanks? Yes, teacher. Okay, what's the amount of water vapor in the air? Humidity, teacher. Humidity, write with capital H. You always write with capital H, humidity. Humidity is the amount of water vapor in the air. We have studied that if the humidity is high, that means lot of water absorbed in the air. Or agar bahut zyada water ho jaye to air hamari kaisi ho jati hai? It's moist and wet. Air turns into moist and wet air. Done? पढ़ा था ना, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज क्लाइमेटोलॉजी. ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, CLIMATOLOGY, क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेट की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, वेदर की स्टडी को वी कॉल मेट्रोलॉजी. डैश इज अ जैपनीज वर्ड ऑफ टाइडल वेव्स. जी, जैपनीज वर्ड क्या है? सुनामी. व्हाट इट इज? सुनामी. टी से लिखना है बेटा, विद कैपिटल टी. राइट विद कैपिटल टी, TSUNAMI.
टाइडल वेव्स का जैपनीज वर्ड सुनामी है, और जैपनीज वर्ड सुनामी में व्हाट इट इज अर्थक्वेक अंडर द ओशन, टर्बुलेंस अंडर द ओशन हो जाती है. अ डैश इज अ कोन शेप माउंटेन और हिल, कौन सी है जिनमें से मैं मैग्मा एंड लावा भी निकल, वोल्केनो राइट विद कैपिटल वी, वी ओ एल सी ए एन ओ, वोल्केनो. फेमिन जो कहे तो फूड की कमी होती है, इज द एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ विच थिंग, फूड एंड वाटर. फूड एंड वाटर. You have, Subhan, you have notes till chapter number 3, beta? Yes, teacher. Do you have notes of SST till chapter number 3? No, teacher. You haven't received from the office, school office, on your WhatsApp group, beta? Teacher, no. All the students have received. Complete your book copies, okay? Complete your copy work. Now come on matching the event with the year. Flood in Pakistan. Pakistan mein flood kab aaye the, in 2010. Flood in Pakistan 2010. In 2010, flood aaye the. Hurricane Katrina in USA in 2005. In 2005 mein hurricane aaye the. Phir tsunami in Indian Ocean in 2004 mein aaye the tsunami Indian Ocean mein. और कितने लोगों की तब डेथ हुई थी हमने पढ़ा है ना अभी, 2,30,000. अर्थक्वेक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो जिलजिला आया था, अर्थक्वेक आया था, शेकिंग ऑफ अर्थ हुई थी, दैट वाज ऑन 2005. वॉल्केनिक करप्शन इन आयरलैंड, आइसलैंड में जब वॉल्केनिक करप्शन आई थी 2010 में. ठीक है जी, टू थिंग्स 2010 में हुई थी, volcanic eruption in Ireland and floods in Pakistan. Pakistan mein jo flood aaye the 10 years back, wo 2010 mein hue the. Hope you all have got the notes till chapter number 3. We have completed till chapter number 3. Please complete your copy works till chapter number 3. Inshallah, we will start chapter number 4 in our next class. Till then, take care. Allah Hafiz.